हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नोएडा एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग की एम सीरीज़ के बारे में। यहाँ पर सैमसंग की एम सीरीज़ का पूरे डिवाइस का लेआउट लीक होकर आया है कि कहाँ पर आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी, यानी कि पूरा डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो लीक होकर के आया है। यहाँ पर पहले भी हमें जो है काफ़ी सारे लाइव फोटोज़ देखने को मिले, लाइव ऑन हैंड फोटोज़ देखने को मिले थे सैमसंग की एम सीरीज़ के, बट जो यहाँ पर डिज़ाइन का लेआउट मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस तरीके से हमें कभी भी देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये पूरा डिज़ाइन का लेआउट है। फ्रंट से यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी और लाइट सेंसर भी देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि इस डिवाइस में आपको लाइट सेंसर मिसिंग नहीं मिलेगा। फ्रंट कैमरा, वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले या फिर सैमसंग की वी डिस्प्ले, वी इन्फिनिटी डिस्प्ले। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेजल जो है नीचे का उसी की तरह मिलना है जैसे कि आपको पहले देखने को मिलते थे, बट अच्छी बात यह सैमसंग ने ऊपर का बेजल रिमूव कर दिया सैमसंग अपनी मिड रेंज डिवाइसेस में। पर यहाँ पर एक चीज़ जो कि मुझे बुरी लगी, यहाँ पर आपको वॉल्यूम रोकर्स और पावर की एक ही तरफ मिलेगी, जो कि मैं नहीं चाहता कि सैमसंग ऐसा करे। वॉल्यूम रोकर्स एक तरफ एंड दूसरी तरफ पावर की होनी चाहिए, वही मुझे काफ़ी पसंद है। बाय द वे, यहाँ पर पीछे से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूल कैमरा सेटअप है, माइक्रोफोन है, GPS एंटीना किस तरफ है, सिम कार्ड फ्री इस तरफ है, सब यहाँ पर पूरा लेआउट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो स्पीकर है वो नीचे की तरफ, जैसे आपको पुराने डिज़ाइन में देखने को मिलता था सैमसंग के पुराने डिवाइस में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा सैमसंग का गैलेक्सी S2 था, और भी काफ़ी सारे डिवाइस थे जहाँ पर हमें पीछे की तरफ स्पीकर देखने को मिलते थे। तो सैमसंग अपने पुराने डिज़ाइन को अपनी एम सीरीज़ में लेकर के आ रहा है। हो सकता है इन्हें कोई स्पेस वगैरह नहीं मिला हो, हो सकता है ये शायद इसके पीछे कोई रीज़न हो, बट पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पीछे की तरफ स्पीकर। काफ़ी बुरा पोजिशन है और काफ़ी बुरा लगता है। साइड के स्पीकर जो सैमसंग ने जिस सीरीज में स्टार्ट करा था वो काफ़ी बढ़िया था, और जो नीचे की तरफ नॉर्मली हमें देखने को मिलते हैं वो भी काफ़ी बढ़िया पोजीशन है स्पीकर की। तो इन दो पोजीशन के अलावा मुझे कई और भी स्पीकर पसंद नहीं है। आप मुझे बताना नीचे कमेंट करके कि आपको नीचे स्पीकर अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा सैमसंग की एम सीरीज़ में जब आएगा। और यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया था सैमसंग के M10 के स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे चीज़ मुझे ये लगी कि सैमसंग M10 में भी जो है आपको फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दे रहा है, भले ही IPS LCD है, बट अच्छी बात यही है कि आपको फुल HD रेजोल्यूशन देखने को मिल रहा है, ना कि खाली 720p। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी पसंद आई, बिकॉज सैमसंग हमेशा से यही करता है कि सैमसंग हमेशा बजट स्मार्टफोन में लो रेजोल्यूशन की डिस्प्ले डालता है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको 3400 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। प्रोसेसर जो एक 7872 है, नया प्रोसेसर है, पुराना प्रोसेसर नहीं है, जो कि आपको सैमसंग के J7 प्राइम वगैरह में देखने को मिलता था वह प्रोसेसर नहीं है। यहाँ पर सैमसंग ने नया प्रोसेसर लिया है, एक स्टेप अपग्रेड कर दिया, बट ये हेक्सा कोर प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको 6 कोर्स देखने को मिलेंगे, ना कि ऑक्टा कोर है, क्योंकि ऑक्टा कोर में तो आपको 8 कोर्स देखने को मिलते थे, बट फिर भी नया प्रोसेसर है, देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस होती है, क्या परफॉर्मेंस होती है। बाय द वे, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि मैं एम सीरीज में से कौन सी डिवाइस परचेस करूँ, बिकॉज यहाँ पर दो डिवाइसेस 28 फरवरी को बताया जा रहा है कि रिलीज होंगी, जो कि होगी M20 और M10, और जो M30 है वो 13 फरवरी 2019 में लॉन्च होगा, ऐसे रूमर आ रहे हैं। बाय द वे, देखते हैं 28 फरवरी को सैमसंग तीनों डिवाइसेस लाता है या नहीं, तो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। और मुझे सैमसंग के M10 से सिर्फ एक ही शिकायत है कि यहाँ पर आपको 5 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलेगा, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बट पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर भी आपको जो है ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा 13+5 MP का, क्योंकि पहले रूमर आया था आपको बैक में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी आपको ड्यूल बैक कैमरा देखने को मिलेगा सैमसंग के M10 में। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और कुछ बुरी बात भी है, कुछ अच्छी बात भी है। बाय द वे, मैं इसको ज़्यादा वो नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो है स्टार्टिंग प्राइस होने वाली है, यहाँ पर रूमर आ रहे हैं वो होगी 7990, यानी कि लगभग 8000 रुपये से इसकी प्राइस रेंज स्टार्ट होगी। तो देखते हैं क्या होता है 28 जनवरी 2019 को। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और आप बताइए आप कितने एक्साइटेड हैं, और कौन सी एम सीरीज़ में से कौन सी डिवाइस परचेस करना पसंद करेंगे, और मुझे भी सजेस्ट करो भाई कि मैं कौन सी लूँ। बाय द वे, देखते हैं 28 जनवरी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर दो, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।